हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपको बताऊंगी टेस्टी मसूर की दाल किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी ये मसूर की दाल ले ली है। आपको इसको चार पांच पानी से अच्छे से धो लेना है और उसके बाद आपको दो गिलास पानी डाल के कुकर में चढ़ा देना है। नमक और आधी चम्मच हल्दी डाल के, ये गाइस आप देख सकते हैं मैंने मोटी वाली मसूर की दाल ली है, इसको मैं नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के कुकर में चढ़ा दूंगी दो गिलास पानी डाल के, और हम 5 सीटी आने तक इसको गलाएंगे कुकर में। तब तक मैंने काट ली है ये 4 हरी मिर्च, ये थोड़ा सा धनिया और 1 टमाटर, 1 प्याज, प्याज के ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, और ये है कसा हुआ अदरक, और उसी के साथ मैंने ले लिया है ये 4-5 लहसुन, ये भी मैंने घिस लिए हैं, और मैंने ये लिया है हींग और 1 चम्मच नमक, और ये बड़ा चम्मच धनिया, हल्दी, गरम मसाला। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने प्याज के ऊपर ही ये इसलिए डाला है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को हम होने देते हैं थोड़ा सा गर्म, और गाइज आप देख सकते हैं कढ़ाई जब गर्म होगी आपको तभी ऑयल डालना है। मैंने ये यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, तो ऑयल को आप गर्म होने देंगे। ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल जितने अच्छे से गर्म हो उतना सही रहता है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये प्याज और ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया था पहले ही, इसको अच्छे से भुनने देंगे, मैं सारा डाल दूंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने ये प्याज डाल दिया है जीरे के साथ, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे दोनों चीज़ों को। और कुकर में दाल हो गई है, अभी इसको खोल के हमने देख लिया है, और दाल देखिए गाइस अच्छे से गल चुकी है। और तब तक ये प्याज यहाँ पे हमें बीच बीच में चलाती रहनी है, नहीं तो प्याज जल जाएगी। और उसी के तुरंत बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा हींग जो मैंने आपको दिखाया था। हींग डालने के बाद आपको इसको अच्छे से चला लेना है, प्याज जब तक ब्राउन ना हो तब तक आपको भूनते रहना है। और गाइस आप देख सकते हैं हल्की हल्की प्याज ब्राउन हो गई है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च। तो गाइस मैंने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, और आपको मसाले को बहुत ही धीमी आंच में और अच्छे से पकाना है, मिक्स करते रहना है कड़छी से, जिस तरीके से देखो गाइस मैं कर रही हूँ। ये हल्की आंच में मैंने मसाला रखा हुआ है, उसके तुरंत बाद ही हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से इसको चलाते रहना है, ये मसाला जलेगा नहीं, आपको पानी बहुत देर में डालना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ। पूरा मसाला भुनने के बाद आपको पानी ऐड करना है और इसको ऐसे ही भुनने देना है। और मैं रख दूँगी अभी इसमें ढक्कन, आपको 2 से 3 मिनट रखना है। तब तक हम यहाँ पे अपनी घोट लेते हैं दाल, और ये दाल आप देखो मैं इस तरीके से घोट रही हूँ, आप भी इस तरीके से घोट सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। ये मैंने दाल घोट ली है, और मसाला हमने देखो ये बहुत अच्छे से मसाला रेडी हो गया है, और जो भी बचा कुचा है वो हमने कड़छी की मदद से इसकी ग्रेवी अच्छी बना दी है। और मसाला आपको तब तक भूनना है जब तक आप देख सकते हैं साइड में किस तरीके से ऑयल आ गया है इसमें, और अभी मसाला बनके पूरा रेडी है, हम इसमें डाल देंगे ये दाल। तो गाइस आपको पानी थोड़ी देर में ऐड करना है जब दाल हल्की हल्की बॉईल होने लगे। ये देखो मैं चला लेती हूँ इसको, और इसको अच्छे से 2-3 बार चलाने के बाद ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। आप पानी पहले डाल देंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, गैस कम कर लें, और अब इसमें आप पानी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस मैं इसमें 1 ग्लास पूरा पानी डालूंगी, और उसके बाद दाल को हम अच्छे से चला लेंगे, ये देखिए, और फिर से हम दाल को अच्छे से पकने देंगे।
ये देखिए गाइस, तो दाल हमारी अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और हल्का हल्का सा इसको ऐसे ही पकने देंगे। तो गाइस, पकते पकते दाल हमारी हो गई है कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं कितनी ग्रेवी और कितनी गाढ़ी दाल हो गई है। बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दाल। आइए हम इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो गाइस, हमने एक बाउल में इसको सर्व कर लिया है और उसके ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा धनिया। और आपको ये गर्मा गर्म टेस्टी दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना। एक बार मैं आपको चला के भी दिखा देती हूँ। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।